तो कैसे ऑक्सीजन फिल्टर रैंक सीन आ चुका है बीजेमआई कौन कर न्यू सीजन रैंक कुछ टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। यहाँ पे आपको पता है कि आज से 5 दिन बाद बीजेमआई के अंदर न्यू अपडेट आ जाएगा और उसके बाद अपने को न्यू सीजन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप फिर रैंक पुश करना चाहते हो, कॉन्कर करना चाहते हो, आपने अभी तक एक बार भी कॉन्कर नहीं किया है और आप चाहते हो कि आपका कॉन्कर हो जाए इजिली अर्ली 4 to 7 days के अंदर हो जाए, तो भाई उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी आपको पड़ेगी, एक रूट मैप आपको बनाना पड़ेगा, उसके तरीके से आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको अर्ली 4 to 7 days के अंदर कॉन्कर आपको आपकी आईडी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भाई जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ आज से रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक वीडियो देखने को मिलेगी, जिसको फॉलो करके आप इजीली अर्ली 4 to 7 days के अंदर अपनी आईडी के अंदर कॉन्कर कर लोगे। और यहाँ पे आप कॉन्कर कर लोगे तो भाई दूसरे का भी करवा पाओगे, इतना एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। और यहाँ पे मेरी वीडियो देखोगे तो आपको डबल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई इस सीजन जो अभी वीडियो आप देख रहे हो, मतलब जो भी करंट सीजन चल रहा है, उसमें अपन ने #1 किया था डुओ के अंदर। और यहाँ पे एवरी सीजन में डुओ के अंदर कॉन्करर नहीं करता हूँ, सीधा लीडर बोर्ड रैंकिंग मेंटेन करता हूँ एंडिंग तक। तो भाई एक एक्सपीरियंस जो मेरे पास है अब तक का, पबजी मोबाइल से खेलता हुआ आ रहा हूँ, अब तक का लीडर बोर्ड जो एक्सपीरियंस मेरे पास है चीटर्स के अगेंस्ट खेलकर लीडर बोर्ड रैंकिंग मेंटेन करता हूँ, तो भाई कुछ तो बात है। तो आपको जो मैं सारी बातें बताऊंगा उसको फॉलो अप करोगे तो गारंटी आपका कॉन्कर हो जाएगा। और यहाँ पे वीडियो को शुरू करता है, जो आपकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। तो चलो गाइस अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुन लेना। पहली बात, आप अगर रैंक पुश करना चाहते हो तो भाई आपको पहले से ही डिसीजन कर लेना है कि आपको किस में रैंक पुश करना है, कि आप सोलो में करना चाहते हो, डुओ में करना चाहते हो या स्क्वाड में करना चाहते हो। अब यहाँ पे आप स्क्वाड में कॉन्कर करना चाहते हो ना, तो गाइस आपको सीजन स्टार्ट होने से 2 से 3 दिन पहले ही अपनी टीम तैयार कर लेनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप 2 बंदे रैंक पुश करना चाहते हो, 2 बंदे नहीं कर रहे, 2 बंदे आ ही नहीं रहे ऑनलाइन, 2 बंदों का आपको बार बार फोन करना पड़ रहा है ऑनलाइन आने के लिए, खेलने के लिए आपको बुलाना पड़ रहा है, तो ऐसे बंदे मत ढूंढना। उसके बजाय आप 2 बंदे हो तो भाई आप डुओ खेल लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी डुओ की भी अपन बात करेंगे, सोलो की बात करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर आपके पास आपकी टीम होगी तो आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप अर्ली 4 to 7 days के अंदर कॉन्कर कर लोगे। और यहाँ पे जितना ज्यादा आपकी टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आप कॉन्कर कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं फुल डिटेल में बताऊंगा नहीं कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है वो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ट्राई करो कि आपकी टीम है और आपकी पूरी टीम रैंक पुश कर रही है, तो भाई कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करेगा। अब यहाँ पे इसी बीच में आप चाहते हो कि आपका भाई केडी भी अपर लेवल का रहे, एक अच्छा केडी रहे, अच्छे खासे किल आपको एवरी मैच में देखने को मिले और आप भाई फ्रीडम फ्री हो के बंदों के बीच में घुस जाओ, मार पाओ, तो भाई आप एक काम करना, आपके 3 पार्टनर ऐसे ले लेना जो आपको कवर दे पाए। ये पॉसिबल नहीं है बट अगर ऐसा पॉसिबल आप कर सकते हो तो आप ऐसा करना कि आपके 3 बंदे ऐसे ले लेना, चाहे तो आप उनको कुछ पे कर देना 3-4 दिन के लिए कि वो आपको प्रॉपर 6 घंटे का टाइम दे पाए। आपको पता है कि बीजेएमआई के अंदर 6 घंटे की लिमिट है और उस बीच में आपके अगर 3 बंदे आपको 2-2 घंटे का भी टाइम देते हैं दिन में, तो भाई इजीली आप 6 घंटे कवर करके आप उन बंदों को बेट बनाओ और आप अच्छे खासे किल उठाओ, आप उनको आगे घुसाओ। और यहाँ पे हर मैच में अगर वो आगे रहेंगे, अगर गलती से वो आगे जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, तो भाई आपका सर्वाइवल टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ज्यादा ही अच्छा सर्वाइव हो जाएगा एवरी मैच के अंदर। और अच्छा प्लस आपको देखने को मिलेगा, जितना सर्वाइव जितना ज्यादा किल उतना ज्यादा प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अगर आपके 3 बंदे आपको मिल जाए कवर देने वाले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप स्कोर पूरी अपनी है और वो रैंक पुश करना चाहती है तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ी चीजें कम हो जाएगी, बट आप कॉन्कर इजीली कर पाओगे। ऐसा मत करना कि 3 बंदे नहीं कर रहे, 1 बंदा रैंक पुश कर रहा है, तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है बट टफ हो जाएगा, आप कॉन्कर तो फिर भी कर ही लोगे। अब यहाँ पे बात कर ली जाए डुओ की, अगर आप डुओ में रैंक पुश करना चाहते हो तो भाई अपना पार्टनर 1 नहीं 2 रख लेना। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका टीममेट 1 है जो थोड़ा कम टाइम दे पाए तो यहाँ पे आप ट्राई करना दूसरा बंदा ऐसा रखना बैकअप में जो आपके 1 कॉल पे कभी भी आ जाए आपके साथ खेलने के लिए। लग रहा है कि आपका 1 पार्टनर आपको 3 घंटे दे चुका है, 4 घंटे दे चुका है और उस बीच में वो कहीं जा रहा है, तो 2 घंटे के लिए ऐसा एक दोस्त या फिर ऐसा एक पार्टनर रखना जो आप बुला लो और वो आपके साथ खेल ले। तो पार्टनर डुओ के अंदर 1 के बजाय 2 रखना, मतलब 1 आपका है और 1 और एक्स्ट्रा रख लेना जो कभी कभी आपका टीममेट ना हो तो वो आ जाए, तो ऐसा ट्राई करना। और यहाँ पे बॉन्डिंग दोनों के साथ होनी चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन दोनों के साथ अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा खेल पाओगे, क्योंकि चीटर्स आपको कहीं ना कहीं डुओ के अंदर थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। स्कोर के अंदर भी होता है बट सोलो के अंदर भी होता है, बट अभी तक मैंने जितना देखा है डुओ के अंदर बहुत ज्यादा चीटर आपको देखने को मिलेंगे, बट इतना ज्यादा भी नहीं मिलेगा कि आप कॉन्कर ही नहीं कर पाओगे। आप कॉन्कर तो कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा भाई ऑक्सीजन जो बैठा हुआ है एवरी डे कैसे आपको खेलना है, किस तरीके से आपको खेलना है वो बताता रहेगा। और यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी अपन डे 1 से करेंगे तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई ऑक्सीजन आपको सब कुछ बताता रहेगा। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और यहाँ पे भाई एवरी डे जो वीडियो आने वाली
वाली है, एवरी जो लाइव स्ट्रीम होने वाली है उसको देखो और इजीली गो अनकर कर सकते हो तुम्हारे भाई को फॉलो करके। तो जल्दी फॉलो करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अभी यहाँ पे ना एक चीज और दिमाग में रख लेनी है आपको, जितना ज्यादा आप सर्वाइवल पे फोकस करोगे डुओ के अंदर उतना ज्यादा आपको प्लस देखने को मिलेगा। हाँ एक बात अलग है कि आप लो टीयर पे रहोगे, प्लेटिनम या फिर डायमंड पे आप रहोगे डे वन पे, आप चाहो तो थोड़ा लिविक ट्राई कर सकते हो, बट वहां पे आपको थोड़ा सा चीटर देखने को मिलेगा। अगर आप एक आध मैच खेल रहे हो उसमें लग रहा है कि आपको चीटर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा कंटिन्यू कर लेना। जब आपको लगने लग जाए कि लो टीयर पे भी ज्यादा चीटर्स आ रहा है तो भाई वहां पे आप ना खेल के आप इरेंगल में आ जाना, इवेंट वाले इरेंगल में आ जाना और वहां पे आप थोड़ा कंटिन्यू करना। और वहां आप अगर थोड़ा सा सर्वाइव भी करोगे, चाहे आपकी लोबी में चीटर है, थोड़ा सर्वाइव करके 4-5 किल निकाल लोगे तो आपका इजीली एक अच्छा प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं 3 से 2 घंटे अर्ली 1-3 डेज के अंदर थोड़ा सा मैं लिविक भी जाता हूँ, जरूरी नहीं पूरे रेंगल ही खेलता हूँ क्योंकि मैं लिविक भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि वहां पे लो टीयर पे प्लस निकालना काफी इजी हो जाता है। क्योंकि भाई आपको पता होगा डे वन पे आपको वही प्लस मिलेगा जो कॉनकर पे मिलता है एंडिंग में, क्योंकि सिमिलर टीयर होता है तो थोड़ा सा प्लस कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो भाई 15 से 12-16 मिनट के अंदर इजी आप एक अच्छा सा प्लस निकाल सकते हो, अच्छे खासे किल उठा सकते हो। तो लिविक खेल लेना, वहां पे आपको लग रहा ज्यादा चीटर है तो लिविक छोड़ के आप इरेंगल में वापस अपने आ जाओ जैसे मैं करता हूँ। इसलिए मेरे थोड़े से कहीं ना कहीं मैच ज्यादा होते हैं और यहाँ पे आपको पता है कि 6 घंटे के अंदर आप 12 मैच खेल सकते हो, तो आप ऐसा करके थोड़ा मैच भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएंगे आपके कि आप थोड़ा सा मैच ज्यादा खेलोगे तो आपको किल ज्यादा होंगे, किल ज्यादा होंगे तो केडी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और किल ज्यादा होंगे तो आपको प्लस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लिविक के अंदर सर्वाइवल टाइम कम होगा बट वहां पे आपको प्लस ज्यादा देखने को मिलेगा किल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 16-18 मिनट आप गलती से 20 मिनट आप गलती से रेंगल में भर जाते हो और वहीं पे आप 16-15 के मिनट के अंदर आप लिविक के अंदर एक चिकन निकाल लेते हो तो आपको प्लस थोड़ा ठीक ठाक वाला देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से बाकी काफी सारी बातें हैं जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कवर करूंगा डुओ के ऊपर, क्योंकि अपन डुओ ही खेलते हैं। इसलिए अब यहाँ पे सोलो की बात की जाए तो भाई देखो सोलो वही बंदा खेलना जो फुल भाई अपने काम में बिजी रहता है और वो अपने अकॉर्डिंग खेलना चाहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता है और उसके पास टाइम अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि कोई बंदा कॉलेज जाता है या फिर कोई बंदा जॉब करता है या फिर कोई बंदा कहीं स्कूल जाता है तो भाई वो बंदा अपने टाइम के अकॉर्डिंग खेल रहा है क्योंकि वो किसी को टाइम दे नहीं सकता है। तो भाई आप सोलो ट्राई करना बट सोलो में बहुत ज्यादा पेशेंस जरूरी होता है, तो सोलो में जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा आपको प्लस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आपको किल से देखने को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट जोन के अंदर एक आपको अच्छा खासा पोजिशन होल्ड करने के बाद अगर किल उठाना है तो अच्छा पोजिशन होल्ड करो और किल उठा लिया तो एक अच्छा प्लस आपको देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से आप अर्ली 4-7 डेज के अंदर कॉन्कर कर लोगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, मोटी मोटी बातें बताई है, बाकी काफी सारी डिटेल बातें अपन कर सकते हैं बट वो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर अपन करने बैठेंगे तो यहाँ पे ट्राई करना आपके अकॉर्डिंग आप किस में खेलना चाहते हो। मैंने आपको बता तो दी है सारी बातें, बाकी आपको देख लेना है कि किस तरीके से आपको खेलना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखनी है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई आपको ना गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ना चीटर चाहे सोलो में करो या फिर डुओ में करो स्क्वाड में करो, सब जगह आपको चीटर देखने को मिलेंगे क्योंकि बीजेएमआई के अंदर अभी तक ऐसा एंटी चीट नहीं आया कि भाई गलत ही वाला बैन दे दे जैसे ही बंदा चीट लगाए, जैसे पबजी मोबाइल में है वैसा नहीं है। तो भाई आपको गिव अप ना बिल्कुल भी नहीं करना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। गलती से आप डीमोटिवेट वगैरह हो जाते हो ना तो भाई आ जाना मेरी वीडियो पे मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं भी चीटर से पिटता हूँ, मैं भी चीटर से मरता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, मैं भी वीडियोस डालता हूँ। तो भाई आप अगर एक इंसान की वजह से मतलब एक चीटर की वजह से, बाकी हर मैच में आता है बट एक चीटर की वजह से आप अगर 3 दिन आपने रैंक पुश पे दिया और 4th दिन आपका कॉन्कर होने वाला है और उस चीटर की वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हो, फुल अपनी मेहनत लगा के फुल अपना टाइम देकर आपने खर्च किया है 3 दिन पे कॉन्कर करने के लिए, आप छोड़ दे रहे हो तो भाई 3 दिन की मेहनत तो आपकी गई ना। हाँ आपको लग रहा है कि आपके मैच में चीटर बैक टू बैक आ रहे हैं तो भाई 1-2 घंटे ऑफलाइन चले जाओ, आराम से चिल मारो, दूसरी आईडी भी रखना, उसमें थोड़ा जाके टीडीएम वगैरह प्रैक्टिस कर लेना तो जिससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाएगा और आप इजी कॉर्नर कर पाओगे अर्ली 4-7 डेज के अंदर। गिव अप नहीं करना है, चीटर चाहे कितने ही देखने को मिल जाए, अगर चीटर्स की वजह से मैं डीमोटिवेट होता तो आपको पता है इस सीजन में #1 नहीं कर पाता। मैंने #1 किया था भाई, लड़ता रहा, चीटर जितना पॉइंट बढ़ा रहा था मैं भी कम बढ़ा रहा था बट धीरे धीरे बढ़ाता रहा और एट द एंड उस चीटर को बैन होना पड़ा क्योंकि अपन ने वीडियो डाली थी इसको रिपोर्ट मारो, आप लोगों ने रिपोर्ट मारा था और फाइनली चीटर बैन हो गया था। तो यहाँ पे आपको किस में रैंक पुश करना है वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ, आपको फॉलो कर लेना है। बाकी जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में बताते हुए जरूर जाना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी मेरे को पता है कि किन किन टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, अगर मेरे दिमाग में गलती से टॉपिक अगर मिस हो रहा हो या फिर मेरे को पता नहीं है मेरे दिमाग में नहीं है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। फुल डिटेल वीडियो
हमारा भाई ऑक्सीजन बना देगा। इन 4 से 5 दिन में वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलेगा और उसके बाद भी रेगुलर देखने को मिलेगा। न्यू चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब उसको भी जाकर जरूर कर लेना। हो गया इसका।